नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वुमन का मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके कमेंट्स के लिए, आपका समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपन्यास कार्य हम पढ़ रहे हैं शुक्ल जी की पुस्तक से। आज हम बात करेंगे कहानियों के बारे में, आगे बढ़ेंगे, उसके आगे की चर्चा करेंगे। ये चर्चा हमारे लिए सुननी बहुत जरूरी है ताकि आधारित प्रश्न या इस तरह के अगर कोई विवरणात्मक प्रश्न हमारे पास आते हैं तो उनका उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ। कहानियां बहुत दूर बहुत तरह की लिखी गई, उनके अनेक प्रकार के रंग प्रकट। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए है। भी ये ढांचे बड़े सुंदर, हम समझते हैं कि ढांचों तक ही रहना चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियों के किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत हम समेटते चले गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मतलब वहां से ढांचा लेने के अलावा यदि हमें उनका वर्गीकरण और भी छोटी छोटी चीजें जो ले ली गई वास्तव में जरूरी। उपन्यासों और छोटी कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेकता के साथ विकास हुआ है कि उनके संबंध में हम अपने खुद स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर गए, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। तो अपने सिद्धांत भी कहानियों पर या पश्चिम से यदि हमने ढांचा लिया तो सिद्धांत अपने स्थिर किए जा सकते हैं, उनके भेद उपभेद अपने से बनाए जा सकते हैं, निरूपित किए जा सकते हैं। इसकी आवश्यकता समझने के लिए उदाहरण, छोटी कहानियों का के जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजियों के अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं उनके अनुसार छोटी कहानियों में सील या चरित्र विकास का अवकाश नहीं रहता। पर प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, जिसमें चरित्र चित्रण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिस संग्रह के भीतर ये कहानी है उसकी भूमिका में प्रेमचंद कहानी के चरित्र विकास का बड़ा भारी कौशल था। कहानी में जो चरित्र विकास होता है उसको बड़ा भारी कौशल का है। छोटी कहानियों के जो छोटे 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 मोटे संग्रह निकलते हैं उनमें भूमिका के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्राय रख दिए जाते हैं। ये देखकर दुख होता है, विशेष करके तब जब उन सिद्धांतों से सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियां उन संग्रहों के मिल जाती, नकल करके उनके सिद्धांत रख दिए गए, लेकिन कहानियों में कई बार उसके उलट बहुत सुंदर कहानियां अलग तरह की भी मिल जाती। उपन्यास और नाटक दोनों के काव्यत्व का अभ्यास बहुत कुछ निकालने की प्रवृत्ति किस प्रकार के रूप में हुई और दृश्य वर्णन, प्रागल्भ भाव, व्यंजना, अलंकारिक चमत्कार आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख भी अभ्यास कर आए। इसके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढांचे में भी जो परिवर्तन हुआ, परिच्छेदों के आरंभ से लंबे लंबे काव्य में दृश्य वर्णन जो पहले रहा करते थे बहुत कम, पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक। उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढांचा एक बार भी छोड़ नहीं दिया गया है। छोड़ा हो जाए उसके भीतर हमारी भारतीय कथात्मक गद्य प्रवृत्ति जैसे कादंबरी हर्ष चरित्र की स्वरूप परंपरा छिपी हुई, लोग उसे छोड़ रहा है छोड़ दी। यह कुछ आवश्यक नहीं कि हम हर कदम उसी के पीछे पीछे रखें, अब यह आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हार्डी का कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या दुखवाद की गंभीर छाया देखी तो चट बोल उठे कि अभी हिंदी कि उपन्यासों को बहुत यहाँ तक पहुंचने में बहुत देर, पौधों के दुखवाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपेनहावर से होता हुआ हार्डी तक पहुंचा ये भी जानना चाहिए। मैं इससे पहले वाले वीडियो में यही बात कर रही थी कि यूरोप में कई बार हमारे ही सिद्धांतों को नए रूप में हमारे सामने रख दिया जाता है और उनका उद्घाटन करने लगते हम अपनी चीजों की ध्यान नहीं देते, कुछ कारण
वहां जब फ्रांस और इटली की कलावादी कलावादियों काव्य में भी बोल बेल प्रकाशित की तरह जीवन की सर्वप्रथम कथा कहा जाता है, तब जीवन को ही लेकर चलने वाले नाटकों और उपन्यासों को उसे सर्वथा पृथक समझा जाना स्वाभाविक ही है। पर इस अत्यंत पार्थक्य का आधार प्रमाद के अतिरिक्त और जगत जीवन जगत और जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्राकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी। एक चित्रण और भाव व्यंजना को प्रदान रखेगा, दूसरा घटना के साथ दूसरा घटना के संचरण व विविधा परिस्थितियों की आपका उपन्यास ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां सामने लाती है जो काव्य धारा के लिए प्राकृत मार्ग खोलती है। उपन्यास और कहानियों की सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद ढांचे के अनुसार मुख्य तीन भेद कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में और चिट्ठी पत्र के रूप में। इसमें अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते, प्रथम के ही मतलब कथा के रूप में ज्यादातर उपन्यास पाए जाते हैं। आत्मकथा के रूप में चिट्ठी पत्र के रूप में बहुत ही कॉमन कथा देखने को मिलते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी अब हम हिंदी में द्वितीय के उदाहरण भी अब हिंदी में काम, जैसे दिल की आग जेपी श्रीवास्तव का, ये आत्मकथा के रूप में आपको एक बात पता चल गई है। हो सकता है ये प्रश्न परीक्षा पूछ लिया जाए, जेपी श्रीवास्तव का दिल की आग आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। तृतीय उदाहरण में हिंदी के बहुत तृतीय उदाहरण हिंदी बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे चंद फसीलों के खत। इस ढांचे में उतनी सजीवता भी नहीं, चंद हसीनों के खतूत जो उपन्यास इस चिट्ठी पत्री के रूप में लिखा गया है, इस चीज का ध्यान रखें। तथा वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वर्तमान उपन्यासों में ये भेद दिखाई पड़ते हैं। घटना वैचित्र प्रधान केवल कौतूहल जन जैसे जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखाने वाले, इनमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है। केवल इतना ही होता है कि आश्चर्य और कौतूहल जगा मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले, जैसे प्रेमचंद सिंह का सेवा सदन, निर्मला कुमार, श्री विश्वंबर नाथ कौशिक का मां भिखारिणी, प्रताप नारायण मिश्र का पिता विकास विजय, चतुर सेन शास्त्री का प्रदीप व्यास। मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मार्मिकता को का प्रधान लक्षण। तीसरे में समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार का चित्रित करने, जैसे प्रेमचंद जी का रघुबी कर्मभूमि, प्रसाद जी का कृपालु, अंतर्वृत्ति का सील वैचित्र का और उसका विकास क्रम अंकित करने वाले, जैसे प्रेमचंद का श्री चरित कुमार का तपोभूमि सूर्य। अगला पांचवा भेद देखेंगे तो भिन्न भिन्न जातियों मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर जोर देने वाला, जैसे राधा रमन प्रसाद सिंह का नाम। इसके अलावा समाज के पाठ्यपूर्ण रूप से पक्षों का उद्घाटन करने और चित्रण करने वाले, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दरबार, सरकार तुम्हारी और बाह्य और अभ्यंतर प्रगति की रमणीयता का समन्वित रूप में चित्र करने वाले अलंकृत पद विन्यास उपन्यास, जैसे स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद ने मंगल प्रभार। ये सात भेद अनुसंधान और विचार करने पर इस प्रकार इसी प्रकार की और दृष्टियों में भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं उनका आभास भी बहुत से उपन्यासों में मिलता है। प्रवीण उपन्यासकार इसका समावेश और बहुत सी बातों के बीच अवसर के साथ कर प्रेमचंद जी के उपन्यासों और कहानियों में भी ऐसे आंदोलन का आभास प्राय मिलता है। उनमें भी राजनीतिक उद्धार या समाज सुधार का नतीजा कुछ बहुत स्पष्ट करते हैं।
और उपन्यासकार का रूप छिप गया है और प्रचारक यानी प्रोपेगेंडिस्ट का रूप उभर कर आया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विस्तृत और विस्तृत रूप में हुआ और उनमें वर्तमान तत्व का भी पूरा युग इसके इतने रूप रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सब के सब अब पाश्चात्य लक्षणों और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। ना तो सब विस्तार में किसी नियम का पालन मिलेगा ना चरित्र विकास का अवतार एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं उनके स्थान पर हमें मानविक परिस्थिति की एकता मिलेगी जिसके भीतर कई ऐसी संवेदना का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति की बहुत ही मानविक रूप थी। श्री चंडी प्रसाद विद्वेश का उन्माद का जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है पूरण का सर्वोद्रेक सौदामिनी का अपत्य स्नेह और काली संकट स्तब्धता तीनों का जो कहानियों की कहानियां कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेंगी उन्हें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित और परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प है। हृदय की कहानियां प्राय किसी रंग है। अब इस जगह पर यह पैराग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे कूट और शब्द असत्य जैसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। उन्मादनी में घटना गतिशील है, शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक भाग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, ना सिर्फ तो कहानी का एक रूप है, एक अंग उपन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र्य आया। घटनाओं में काल के पूर्वापर कर्म का विप्रय कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर ना पड़े। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल एक दो तीन आदि की संख्या देकर विभाग करने के चाल अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर कुछ चलते हुए वृत्ति के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्व काल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक बार की रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्ति के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग से छोटा चित्र किया जाता है। इस प्रकार के चित्र भी चारों ओर सुनाई पड़ते हुए सपनों का सफर सामने रखा जाता है, जैसे बाजार की सड़क का एक मोड़ा देखिए किस तरह से रखा जाता है। मोटरों कांगों टिक्कों के आने जाने का मिलन से चमचमाते हुए कार का पीछे कर रचना भैया हटना बाबू जी अखा तिवारी जी है नमस्कार हटना भाई अभा आई आदाब दरोगा जी। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही जो यहाँ पे कह रहे हैं चित्र में चारों सुनाई पड़ते हुए सपनों का संघात सामने रखा जा सकता। उस कहानी में जो चोर नामक कहानी हिंदी में जो कहानियां लिखी गई स्कूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों में चलती दिखाई पड़ती। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाओं थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेद या मनोभाव के में पर्यवसित होने वाली जिसका बहुत ही अच्छा नमूना स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी कहा। तो जब पहली लाइन पढ़ती थी कभी कभी इसमें बहुत थोड़ी सी बात दिखाई गई है, बहुत गंभीर इसमें संवेदना दिखाई गई है। वास्तव में ये कहानी बहुत अच्छी है, ना कुछ बोलते हुए भी इतना कुछ बोल दिया गया है। पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की इंडिया लागी और पेंसिल स्केच नामी कहानियों में किसी कहानियों में परिस्थिति की मानवता अपने वर्णन या व्याख्याओं द्वारा हृदयांगम करने का प्रयत्न नहीं करता। उसका अनुभव है पाठक पर छोड़ देता है।
दूसरा परिस्थितियों के विशद और मार्मिक कभी कभी ये और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मध्य मधुर गति से चलकर एक मार्मिक परिस्थिति जैसे चंडी प्रसाद शांति की ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रगति का चित्रण भी प्राय रहता है। उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करने जिसमें घटनाओं की व्यजकता और पाठकों की अनुभूति का पूरा भरोसा न रखकर लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्यान करता व्याख्या करता चलता है। जैसे प्रेमचंद की कहानी पंडित विश्वंभर नाथ कौर शर्मा कौशिक पंडित जगनाथन मिश्रा झा द्विज इत्यादि अधिकांश लिखित इसी पद्धति पर चल ऊपर क्या है बहुत कुछ कहते नहीं है। काफी कुछ होता है जो पाठकों के लिए छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर लेखक स्वयं भी अपने व्याख्या के कारण काफी चीजें स्पष्ट करना चाहते हैं। घटना और संवाद दोनों में गुण व्यक्तता और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली जैसे प्रसाद जी की तथा राय कृष्णदास जी इसके अलावा किस तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली दक्षिण कहानियां जैसे पांडे बेचक शर्मा जी की भूमिका वस्तु समस्त के स्वरूप में की दृष्टि से ऐसे बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं जिसमें होंगे ये सामान्यतः पहला सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने करने वाली अधिकतर कहानियां इस वर्ग की आए भिन्न भिन्न वर्गों के संस्करण संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली जैसे प्रेमचंद जी की शतरंज के खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जयंती की दान नामक ऐसी मधुर तीसरा किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग की कल्पना के सामने ऐतिहासिक काल खंड चित्रों की जैसे राधा राजकृष्णदास जी की गरिमा और जय शंकर प्रसाद जी की आकाश। अगर चौथी की बात करें तो देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली जैसे श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की हत्या लागी हृदय तथा श्री जयनेन्द्र कुमार जी की अपना अपना कहानी। पांचवा अगर हम भाग समझना चाहें तो राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित न के स्वदेश प्रेम त्याग साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाले जैसे पांडे बेचक शर्मा उपरुचि उसकी मांगना समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच में धर्म समाज सुधार व्यापार व्यवसाय सरकारी काम नई सभ्यता आदि की कोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण पापाचार के जटिले चित्र सामने रखने वाली कहानियां जैसे उग्र जी की है। उग्र जी की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षण वैचित्र के साथ चल उस ठग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियों में मिल सकती है। सभ्यता और संस्कृति एक सेकेंड सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदि रूप जगाने वाली जैसे राय कृष्णदास जी की अंतापुर का आरंभ श्रीमंत सामंत की चंपेली की गली और जयनेन्द्र कुमार जी की अतीत और किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मात्र और गंभीर प्रसंग का अवस्था करने वाली जैसे श्री बिंद ब्रह्मचारी और श्री मंत सामंत जी ये कहानियां कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका अयोध्या याद रखेगा संवत 1977 से 78 में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम है वन भागिनी कृतिका हिरम्या बाहुमान कनक प्रभा श्वेत का तोता क्या पढ़ता चंपेली की गली इसमें से कुछ कहानियां वे एशिया के भिन्न भिन्न भागों में जैसे ईरान तुर्किस्तान अर्मेनिया चीन सुमात्रा जावा इत्यादि भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की जैसे केरल ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देश की प्राचीन संस्कृति का अध्ययन की त्रुटि अवश्य कई कई खंडक है जैसे हिरम्या और बाहुमान में आर्य पारसी और सामी अरब सभ्यता का भला कुछ इधर उधर है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया था
एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की छाया जय शंकर जी प्रसाद जी के आकाश हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली जैसे जेपी श्रीवास्तव श्री अन्नपूर्णा नंदन और माता प्रसाद पांडे चार्ज इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अन्नपूर्णा नंद जी की का हास सुरुचिपूर्ण चार्ज जी की कहानियां अति रंजित होने पर भी व्यक्तियों का कुछ स्वाभाविक पहचान सामने आता है। जेपी श्रीवास्तव जी की कहानी विशिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के ये कोट में आपसे पूछा जा सकते हैं हास के किस तरह का इकोने किस तरह का मतलब चुप्पी के हार हास्य व्यंग से पूर्ण कहानियां लिखो किस तरह की विशेषता पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्ति की बेढंगी विशेषताओं को हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। ये बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप संस्कृत के नाटकों और फुटकर पद्यों में मिलता है बहुत ही समीचीन साहित्य संबंध और वैज्ञानिक। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलम्बन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं और फुटकर पद्यों में शिव जैसे औगण देवता तथा उनके परिवारों कई कई घटना जैसे छोटे भी आ गए हैं कि आपने पहले पढ़ा भी है। हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसों पर विशेष प्रभाव भी है पर ये सवाल अपन जिस ढंग से सामने लाए गए हैं तो देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है यदि वे बराबर दृष्टि में रहे अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास्य का प्रवर्तन हमारे साहित्य हो सकता है। हास्य के लंबन में विनोद तो होता ही है उसके प्रति कोई ना कोई भाव जैसे राग द्वेष तनाव प्रेक्षा भी रख साथ साथ लगा रहे। हास्य रस में जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं वे सब इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि प्रति द्वेष तना इत्यादि न उत्पन्न होता है एक प्रकार का राग या प्रेम भी उत्पन्न होता है। ये बहुत विचित्र बात है ये व्यवस्था हमारे रस नाम के अनुसार स्थायी भावों में आधो सुखात्मक है और आधो दुखात्मक हास्य आनंदात्मक भाव एक ही आश्रय में एक ही अलंकन आनंदात्मक और दुखात्मक भावों को एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं श्रोता या पात्र की आश्रय रहता है। रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष तनाव नामक दुखात्मक भावों को जायज नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह सच्चाई भाव के रूप में ही द्वेष या कड़ा का भाव जहाँ रोकेगा वहाँ हास प्रधानता नहीं रहेगी वह उपहास हो जाएगी। तो हास और उपहास में अंतर होता है उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं उसमें तो हास को द्वेष या व्यंजक या उसका आच्छादन मात्र समझना चाहिए। हमारे तो जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वतः से यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूं कही गई कि उत्कृष्ट हास्य वही है जिसमें आलम्बन के प्रति एक प्रकार प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था प्रिय यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही पर यूरोप में नूतन सिद्धांत का प्रवर्तन बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह सकते वे दो कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद पूर्व दयावाद का स्वर चौपाते हुए बोले उत्कृष्ट हास्य वह जिसमें आलम्बन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न कहने की आवश्यकता नहीं कि होली मोहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक अवैज्ञानिक और रस विरोधी दया या करुणा दुखात्मक भाव है आनंदात्मक दोनों की एक साथ स्थिति की बात ही बात है। यदि हास के साथ एक ही आश्रय किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है तो वह प्रेम या भक्ति का
है, बहुत महत्वपूर्ण बात सुखलिनी यहाँ कह रहे हैं और इसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। शुक्ल जी के अनुसार हास्य के साथ यदि किसी भाव का सामंजस्य हो सकता है तो सिर्फ प्रेम या किसी विरोधी भाव का सामंजस्य हास्य के साथ के नहीं हो सकता। भगवान शंकर के बौड़प्पन का अभी किस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ के रसी मची है, रसी बची बची है, कुछ राइटिंग में मिस्टेक है, समझ नहीं आ रहा है, त्रिपुरा के तबेले में देखा जा सकता है। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित होने पर अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे सामने साहित्य में नहीं हुआ है जो नवीन जीवन के नवीन क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक साहित्य धार्मिक व्यावसायिक आलम्बन लेकर खड़ा। अब आगे हम बात करेंगे नाटकों की, लेकिन नाटकों की भी बात इस वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी, हम अगले वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, तब तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, देखिए किसी चीज में भाग लेते हैं तो हमें पूरी तरह से भाग लेना चाहिए, एक्टिव रहना। कमेंट जरूर करिएगा, इससे पता चलता है कि वास्तव में आपको कुछ बना के पता नहीं, किसी चीज को पढ़िए सुन नहीं रहे हैं, कुछ एक्टिव है, कुछ उस पर विचार कर, अच्छा लगता है, विचार बहुत जरूरी है साहित्य विद्यार्थियों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक।